समेत मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, उनके सुरक्षा कर्मी और कुछ अन्य लोगों का ऋषिकेश में एक व्यक्ति को बहस के बाद पीटने का एक कथित वीडियो मंगलवार को वायरल हुआ। वीडियो आने के बाद स्थानीय लोगों ने ऋषिकेश कोतवाली में मंत्री के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदर्शन किया, लेकिन प्रदेश में वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्रालय का जिम्मा संभाल रहे अग्रवाल ने कहा कि सुरेंद्र सिंह नेगी नाम के उस व्यक्ति ने उन्हें अपशब्द कहने के अलावा उन पर हमला किया, इसीलिए ये पूरा विवाद हुआ। वहीं दूसरी तरफ जिस व्यक्ति के साथ मारपीट हुई थी सुरेंद्र नेगी, उसने फेसबुक पर एक वीडियो पोस्ट किया है और उसमें मंत्री और उनके कर्मचारियों पर बिना किसी उकसावे के हमला करने का आरोप लगाया है। एक क्लिप में नेगी ने आरोप लगाया कि वो यह नहीं समझ पा रहे कि उन्हें मंत्री और उनके लोगों ने क्यों अपशब्द कहे और उन पर हमला क्यों किया। उन्होंने कहा, हम ट्रैफिक जाम में फंस गए थे और मैं उनकी कार के पास से बिना ये जाने कि उसमें कौन बैठा है गुजर गया। उन्होंने मुझे अपशब्द कहे और जब मैंने इसका विरोध किया तो वो सभी लोग कार से उतरे और मुझे पीटने लगे। तो सबसे पहले इस वीडियो को देखें कि सुरेंद्र सिंह नेगी का क्या कहना है। जय श्री राम साथियों। साथियों, ये प्रेमचंद अग्रवाल ने यहाँ पर मेरे साथ हाथापाई करी। प्रेमचंद अग्रवाल के जो गनर हैं, इन्होंने करी पुलिस के, जो उनके साथ जो है क्या नाम उसका कौशल विजवान, इन्होंने सरेआम यहाँ पर ज्योति विकलांग स्कूल जो है इसके सामने सरेआम बाजार में हाथापाई करी, मारपीट करी हमारे साथ। अब ये हमारे पर ही जो उल्टा केस करने को जा रहे हैं, ठीक है, पुलिस थाने ले जा रहे हैं उठा करके, ठीक है जी। अब आप देख सकते हैं कि एक मंत्री गुंडागर्दी करता है सड़क में और कहता है तू पैसे खा रहा है। मैंने कौन से पैसे इस प्रेमचंद अग्रवाल से खा लिए, कौन से पैसे इस प्रेमचंद अग्रवाल ने मुझे दे दिए और किस प्रकार से ये इस तरह का जो है झूठा आरोप लगा रहे हैं। नहीं, हमने क्या कर दिया इस प्रेमचंद अग्रवाल का, समझ नहीं आ रहा है क्या तुम्हें जी हरम गए। अरे उसने क्या करा, कुछ नहीं करा यार उसने। हम तो आ रहे थे भाई जी, वो सबसे पहले कौशल बिजवाड़ ने हाथ उठाया, नहीं कोई मामला ऐसा मामला था ही नहीं, उसने दरवाजा खोल के मारा पहले मंत्री ने। अरे कुछ नहीं भाभी, भाई जी हम आ रहे थे, हम तो आपके पास ही आ रहे थे, वहाँ पे एम चौकी में रावत जी के लड़के मामले, ठीक है, यहाँ पे एक गाड़ी लगी हुई थी, जाम लगा हुआ था भाई, जाम लगने में थोड़ा सा वो हो गया इसने, है अरे इससे कुछ नहीं हुआ, ऐसे जाम लगा मुझे कहा था इसी गाड़ी के बगल में, ठीक है, मैंने मैंने ऐसी कहा, देख रहे मैं जाम ऐसी चल रहा, उसने सीधा नीचे कहा क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है प्रेमचंद मुझे क्या बोल रहे हैं। मैं मंत्री जी, मैंने आपको कुछ नहीं कह रहे, आप जाइए कोई बात नहीं, पहले पुलिस वाले ने दरवाजा खोला अपना, जो पुलिस वाले बैठे थे, ठीक है, मैंने कहा भाई साहब कुछ नहीं है यार, मैंने कुछ नहीं कर रहे, इतने में जो उसने वो कहा कौशल उधर से उतर के आया, कौशल ने जो आगे थप्पड़ मारे सीधा, मैंने कौशल क्या है भाई, मैंने कहा तुम ये करते हो तुम वो करते हो, हैं, अब तुझे मैं बताऊंगा और तू ये वो इतना बताने बताने, कौशल दोबारा तिबारा तरीका था भाई जी। तो आपने सुना कि सुरेंद्र सिंह नेगी का क्या कुछ कहना था। अब हालांकि प्रेमचंद अग्रवाल का इस संबंध में कहना है कि सुरेंद्र नेगी उनकी कार के साथ साथ चल रहे थे, उन्होंने बताया कि उनकी कार के शीशे नीचे थे और नेगी ने उन्हें अपशब्द कहना शुरू कर दिया। मंत्री ने बताया जब उन्होंने इसका विरोध किया तो नेगी ने उनसे बहस करनी शुरू कर दी और हमला करते हुए उनका कोता फाड़ दिया। उन्होंने कहा कि उनके सुरक्षा कर्मियों ने जब उन्हें बचाने का प्रयास किया तो नेगी ने उसकी वर्दी भी फाड़ दी। मंत्री ने कहा इस घटना में उनके कुर्ते के जेब में रखा सारा सामान भी खो गया। नेगी को ब्लैकमेल करने वाला शख्स करार देते हुए अग्रवाल ने कहा एक मंत्री पर हमला करने के लिए उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी। तो सुनिए प्रेमचंद अग्रवाल ने क्या कुछ कहा। कार्यक्रम से मैं जहाँ पे खड़ा हूँ कार्यक्रम के लिए चला, तो रास्ते में जहाँ डॉक्टर भारद्वाज जी का हॉस्पिटल के आसपास जाम था और मेरी गाड़ी जब वहाँ से निकलने लगी तो सुरेंद्र सिंह ने कि आप जानते हैं सर, क्योंकि मैं भी स्थानीय हूँ, आदि स्थानीय है, शिवाजी नगर का रहने वाला है और अपने आप को सोशल वर्कर कहता है लेकिन लोग उसे ब्लैक मिलर कहते हैं। जितनी भी घटनाएं आज से पहले हुई है लगातार पुलिस ने भी उसको पकड़ा गया है, देखो बार लोगों के द्वारा उसे भेजा भी गया है, सब जानते हैं उसके बारे में और उसने मुझे गाली गलौज करने का प्रयास किया। उसने एक हाथ से मेरा ये कुर्ता मैं दिखा रहा हूँ,
ये कुर्ता पकड़ा जो मैं अभी इससे पहले ये पहन रखा था और उसने मेरे कुर्ते पे हाथ डाला और ये कुर्ता फाड़ दिया। ये देखिए ये उसमें सारा सामान गायब हो गया, पैसा सामान जो भी इसमें चीज थी सब उसने छीन। और उसके बाद मेरे सुरक्षा कर्मी ने जब उसे समझाने का प्रयास किया तारण दौरान ये इसकी वर्दी फाड़ने का प्रयास किया, ये वर्दी फाड़ी है मतलब खुलेआम गुंडागर्दी। और उसके साथ जो दूसरा जो मोटरसाइकिल चला रहा था वो भी बदतमीजी पे आया और मैं बैठा रहा उसके बाद पत्थर लेने भागा सड़क के किनारे। उसके बाद जब इन्होंने रोकने का प्रयास किया तो उसको मेरी सुरक्षा के लिए इन्होंने बचाव किया। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि आज तो सीधा सीधा आक्रमण हुआ है, एक गुंडागर्दी हुई है। और ये भी मेरे ही क्षेत्र में, क्योंकि इसके बारे में मैं जानता हूँ, जितने भी कोई काम होते हैं उसमें वो सबसे पहले वो सोशल मीडिया में क्योंकि कुछ लोगों का एक धंधा बन गया है वो एक काम करना, फिर उसमें ब्लैकमेलिंग करना, ये लगातार इसकी शिकायतों तो मेरे पे आती। मैंने कभी कुछ नहीं कहा और मैं तो इसमें बहुत अच्छा कार्यकर्ता के रूप में समझता रहा कि भाई चलिए अच्छा अपना अच्छा काम करता है। मुझे याद है एक बार सड़क के बारे में इसने कहा तो मैं 5 मिनट के अंदर उस सड़क पर पहुंचा था जहां पे इसने शिकायत की थी। लेकिन इसका एक मुझे लगता है धंधा बन चुका है। फिर मैं मुझे घर पे जाके अपने कपड़े बदलने पड़े और मैं वापस आ एफआईआर दर्ज करेंगे। आप क्या मामला मानते हैं कि एफआईआर दर्ज करेंगे? बिल्कुल एफआईआर दर्ज करूंगा। तो जैसा कि अब इस घटना के बाद मंत्री जी और जिस शख्स के साथ मारपीट हुई है सुरेंद्र सिंह नेगी, इन दोनों के बयान सामने आए हैं। अब देखना ये होगा कि इस मामले में आगे क्या कुछ होता है। लेकिन अब इस बीच पूरे मामले में कांग्रेस भी मुखर हो गई है, तो कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसौनी का क्या कुछ कहना है ये भी सुनिए। उत्तराखंड के ऋषिकेश से एक बहुत ही शर्मनाक और विभत्स वीडियो सामने आया है, बहुत वायरल हो रहा है, जिसमें कि भारतीय जनता पार्टी की सत्ता की हनक सनक अहंकार और गुंडागर्दी साफ देखी जा सकती है। दरअसल ऋषिकेश के अंदर देहरादून की तरह भारी वर्षा की वजह से भारी जाम लगा हुआ है। ऐसे में किसी युवक की गाड़ी वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की गाड़ी से टकरा गई और वित्त मंत्री ने अपना आपा खो दिया। आप देखा ना, ताव युवक के थप्पड़ ही थप्पड़ जड़ दिए और साथ में सहयोग उनका इस मार कुटाई में किया उनके गनर ने। बहुत ही शर्मनाक वीडियो है कि एक मामूली सी घटना पर किस तरह से वित्त मंत्री बौखला गए। ये जो जाम की स्थिति है ये आम जनता को रोजाना झेलनी पड़ती है जनाब, आप तो एक ही दिन में आजिज आ गए।